नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। गंज बासुदा के शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पांचवी और आठवीं बोर्ड की परीक्षा के दौरान अंग्रेजी विषय में कम नंबर आने की वजह से बच्चों को अंग्रेजी विषय में अच्छी शिक्षा देने के लिए बुधवार को वर्चुअल क्लास के दौरान शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 90 दिनों के भीतर बच्चों को किस तरह से अंग्रेजी विषय पढ़ाना है जिससे बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज में बोर्ड की परीक्षा के दौरान अच्छे नंबर ला सकें। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट। वो ये पूरा सिलेबस बताया जा रहा है इसमें ट्रेनिंग के माध्यम से, वर्चुअल क्लास के माध्यम से, कि वो इंग्लिश का जो स्तर थोड़ा सा कमज़ोर है बच्चों का, बोर्ड परीक्षा हो गई है अब, मतलब आठवीं और पांचवी, तो उसको ध्यान में रखते हुए वर्चुअल क्लास दी जा रही, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उससे क्या है कि बच्चों का रिजल्ट में सुधार आना चाहिए, और अब बच्चों को मतलब पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है। इंग्लिश पढ़ाते तो पहले भी थे, लेकिन इसमें नए तरीके बताए जा रहे हैं, और 90 दिन में कैसे बच्चों को ये कवर कराना है, कोर्स पूरा कराना है बच्चों को, उसकी मॉड्यूल के और प्रशिक्षण के माध्यम से बताया जा रहा है। इंग्लिश में थोड़े कमज़ोर हैं बच्चे, इसलिए इंग्लिश चुना गया है। बाकी उसके लिए भी दक्षा उन्नयन का प्रशिक्षण हुआ था, वो हिंदी का ही हुआ था, और अन्य विषय का प्रशिक्षण हो गया था। इंग्लिश का प्रशिक्षण बाकी था, पहले भी गर्मियों में प्रशिक्षण हो चुका है जुलाई में। संस्कृत का विदिशा में हुआ था, मिडिल का। हाँ, मिडिल स्तर में चलती है संस्कृत, प्राइमरी में तो चलती नहीं है, तो मिडिल के हमेशा प्रशिक्षण विदिशा में आयोजित किए जाते हैं।